सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास जो परफ्यूम आ गया है वो एक बहुत ही अवेटेड परफ्यूम था। मैं काफ़ी टाइम से सोचता था लेने की, क्योंकि इसने री एंट्री करी है मार्केट में, इस बार हरिकेन के नेम से हाइड्रा, जो कि है विलन ब्रांड की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है, नेट पर भी आप काफ़ी इसके एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे। इन्होंने चार निकाले हैं इसके वेरियंट्स, हाइड्रा, ऊद और एक अनस्टॉपेबल और लेगेसी। तो मैंने इसके सबसे पहले हरिकेन हाइड्रा ये और एक्जोटिक ऊद मंगवाया है, जो कि मैंने आपको अपनी स्टोरी में भी दिखाया था। तो आज सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे विलेन के हरिकेन हाइड्रा का। ये ब्लू कलर की बॉटल में आता है, 50 ml ओदे परफॉर्म है, साइड में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और पीछे भी यही ब्रांडिंग वगैरह है। तो चलिए एक बार इसके बॉक्स को खोल के देखते हैं कि कैसे इसके अंदर बॉटल है और क्या उसकी परफॉर्मेंस है। तो अनबॉक्स करने पर बहुत ही क्यूट सी एक रेक्टेंगल बॉटल हमारे सामने आई है, जो कि ब्लू कलर में है। और ब्लू कलर जो है एक्वाटिक को दर्शाता है, तो इससे हमें पहले ये तो पता चल गया है कि ये एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है और काफ़ी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस होने वाली है। 50 ml की ये बॉटल है, बहुत ही क्यूट सी ब्लू कलर की, ऊपर ब्लैक कलर का कैप है। तो चलिए एक बार एटमाइजर पर नज़र डाल लेते हैं कि इसका एटमाइजर कैसा है। बॉटल का जो कैप है बहुत ही ज़्यादा टाइट है, देखिए एक बार में खुल भी नहीं रहा। तो चलिए एक बार एटमाइजर देखते हैं कैसा थ्रो देता है। थ्रो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में जूस एक ही बार में निकाल देता है। तो इसके पहले मैं नोट्स आपको बता देता हूँ कौन से हैं, फिर इसकी खुशबू की बात करेंगे। इसके अंदर जो नोट्स हैं, टॉप में बरगमो और ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट का नोट मिलेगा, और मिड में लेवेंडर, वाइट फ्लोरल और सैंडल, और बेस में जब ये सेटल हो जाएगा तो मस्क, पचूली, पेटिवर और सिडारवुड का आपको एसेंस मिलेगा। तो ये तो हो गई नोट्स की बात, लेकिन इसकी खुशबू कैसी है। जब आप इसे स्प्रे कर लेंगे तो बहुत ही प्यारा एक सिट्रसी नोट आपके सामने आएगा सबसे पहले, जिसकी में डोमिनेंट होंगे ग्रेप फ्रूट और बरगमो। और जैसे जैसे हल्का हल्का सेटल होने लगेगा तो लेवेंडर और वाइट फ्लोरल की बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, और जब सेटल प्रॉपरली हो जाएगा तो मस्क, पचूली, वेटिवर की बहुत ही अच्छी आपको एसेंस मिलेगा। लेकिन मैं एक बात से इसकी डिसअपॉइंट हुआ, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले खुशबू की बात कर रहे थे, खुशबू इसकी बहुत ही प्यारी, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। मैंने जितने भी एक्वाटिक परफ्यूम्स ट्राई किए हैं उसमें डिजोकर मरीन की मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो कि मैंने एक बार अपनी स्टोरी में भी शेयर किया था, और इसकी जो है लगभग मुझे उससे भी ज़्यादा थोड़ी बेटर लगी। बहुत ही प्यारी खुशबू है, इतना तो मैं बता देता हूँ 100% गारंटी से कि जो भी इसे खरीदेगा वो इसकी खुशबू से डिसअपॉइंट नहीं होगा, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगा। बहुत ही प्यारी एक्वाटिक खुशबू इसके अंदर से आपको मिलेगी, लेकिन जो इसकी लास्टिंग है वो थोड़ा डिसअपॉइंट ज़रूर करेगी। इसके आपको कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 15-16 स्प्रेज लगाने पड़ेंगे अगर आप सोचते हैं कि ये 4-5 घंटे लास्ट कर जाए। अगर आप थोड़े से स्प्रेज लगाएंगे तो ये 1.5-2 के घंटे में ही वैनिश हो जाएगा। प्रोजेक्शन भी कोई इतनी लाउड नहीं है इसकी, 1 से 1.5 फीट तक ही है। हाँ, खुशबू बहुत प्यारी है, मैं इतना ज़रूर बताता हूँ कि जो भी इसको लेगा वो ये जरूर बोलेगा खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, लास्टिंग से वो जरूर डिसअपॉइंट हो सकता है। तो इसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा ये जिम के लिए, ऑफिस के लिए, डेली वेयर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हैंग आउट्स के लिए, इवनिंग हैंग आउट्स के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसे मैं बस बिल्कुल मस्ट बाय तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ अब रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी है। जो जो लोग एक्वाटिक मरीन फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं वो इसे बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि इसकी खुशबू आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी, एक्वाटिक खुशबू जो मिलेगी। इसके अंदर लेवेंडर और फ्लोरल जो है डोमिनेंट रहेगा थ्रू आउट, और इसके बेस में जो आपको मस्क और पचूली का मिलेगा बेस, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस विलेन के परफ्यूम के बारे में मुझे यही कहना था। नेक्स्ट जो आपके लिए मैं रिव्यू लेकर आऊँगा वो एक्जॉटिक ऊद का होगा, जो इसके साथ ही मैंने मंगवाया था। इसकी उसमें भी देखेंगे कि लास्टिंग इसकी जितनी है या उसके कम है या ज़्यादा है, वो बाद में पता लगेगा। तो हाइड्रा के बारे में मुझे यही कहना था, ये इसका अपडेटेड वर्जन है, जो पहले हाइड्रा आता था हरिकेन हाइड्रा है, लेकिन ये पहले वाले हाइड्रा से मच बेटर है खुशबू के मामले में। तो बस यही था इसके बारे में, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। थैंक यू गाइस।